जिसमें न जाना, फिर जब टिकट उनके हाथ से चिटक जाती है, बच्चों से गाड़ी को चली जाती है, तो फिर वो उनके साथ वोट मांगने का काम भी करते हैं। हमारा प्रत्याशी हमेशा ही संगठन का जो भी कार्यकर्ता नेता है उसका हमेशा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, और हमने कमल के फूल का साथ 2019 में टक्कर दी। बाउंड्री आपने बनवा दिया, उसका फायदा सभी लोगों को मिलेगा। जम्मू एक्सप्रेस हाईवे आपने बनवा दिया, उसका फायदा मिलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना आसान होगा सफेदों में जाकर भाजपा का कमल खिला पाना? अगर मुझे 2024 में पार्टी चुनाव लड़ाती है तो भाई साहब मैं ज्यादा बड़ी बात अपने मुंह से निकलूंगा, कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम करूंगा। 2024 की राह मुझे लगता है कि हरियाणा में क्या आसान रहेगी? जो विपक्ष है उसने यही फैला रखी थी कि बीजेपी अगर मुकाबले में है तो सिर्फ एक शायद राजस्थान में हो सकती है, मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप आई। और वही काम हरियाणा सरकार यहाँ सोच रहे होगा, चमत्कार नहीं होगा भाई साहब, एक्चुअल में होगा। आपको क्या लगता है कि भाजपा आप पर दाव खेल देगी? आपको आंकड़े की बात बताता हूँ, मौजूदा विधायक कौन है जी, उससे पिछला विधायक कौन रहा है जी, इसी में सब कैलकुलेशन आ गया भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिगत राजनीति नहीं करती, सबसे पहली बात को, भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। बहुत सारे नेता हैं आपके जो अभी निकल कर आ रहे हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं? वो भी कतार में अपने आप को मानते हैं? अंतिम फैसला यही है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है।